स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे विद्युत द्विध्रुवीय ध्रुव के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? तो विद्युत द्विध्रुवीय ध्रुव क्या है, इसमें अपने को देख रहा है कि ये जो वर्ड है डायपोल, जिसके दो पोल होते हैं, यानी द्विध्रुवीय ध्रुव जिसके दो ध्रुव होते हैं। तो विद्युत द्विध्रुवीय ध्रुव में क्या है कि अपन दो आवेश लेते हैं और दोनों जो आवेश हैं वो अपोजिट साइन के हैं, विपरीत प्रकृति के हैं। एक प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा माइनस क्यू चार्ज, और दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2d है। अपने पास दो आवेश हैं, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2d है। ये जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2d है वो वेरी स्मॉल डिस्टेंस, अति अल्प दूरी है। तो इस प्रकार का एक युग्म होगा जिसको अपन विद्युत द्विध्रुवीय ध्रुव कहेंगे। तो विद्युत द्विध्रुवीय ध्रुव की डेफिनेशन में आपको क्या लिखना है कि दो समान परिमाण, दोनों आवेशों का जो परिमाण है वो समान है। इस आवेश का मान यदि सपोज 5 कूलम है तो इसका भी 5 कूलम होगा, ये प्लस 5 कूलम है तो ये माइनस 5 कूलम होना चाहिए। दोनों आवेशों का परिमाण है वो बराबर होना चाहिए, लेकिन प्रकृति दोनों की विपरीत होनी चाहिए। एक धनात्मक आवेश है तो दूसरा ऋणात्मक आवेश होना चाहिए। तो दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो आवेशों के इस युग्म को विद्युत द्विध्रुवीय ध्रुव कहते हैं। दिस इज द पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। विद्युत द्विध्रुवीय ध्रुव है, ये विद्युत द्विध्रुवीय ध्रुव हो गया। विद्युत द्विध्रुवीय ध्रुव के बाद बात करते हैं अपन विद्युत द्विध्रुवीय ध्रुव आवरण। विद्युत द्विध्रुवीय ध्रुव आवरण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुवीय ध्रुव आवरण। तो आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि द्विध्रुवीय ध्रुव जब भी लेते हो तो द्विध्रुवीय ध्रुव एक दो आवेशों का युग्म है, जिसमें ये जैसे अपने पास कोई पेयर है जिसमें एक चार्ज यहां होगा दूसरा चार्ज यहां होगा, दोनों के बीच की जो दूरी है वो बहुत ही कम होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो ज्यादा दूरी पर सेपरेटेड है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है वो अति अल्प होनी चाहिए। तो इस युग्म को ही आपको विद्युत द्विध्रुवीय ध्रुव बोलना है, और दोनों जो आवेश हैं वो अपोजिट नेचर के होने आवश्यक हैं। एक प्लस का है, एक धनात्मक है, तो दूसरा ऋणात्मक होना चाहिए। वन पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर नेगेटिव चार्ज, दिस इज पेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। अब बात करते हैं विद्युत द्विध्रुवीय ध्रुव आवरण। विद्युत द्विध्रुवीय ध्रुव आवरण क्या है? विद्युत द्विध्रुवीय ध्रुव जो आवरण है इसको मैं ये लिख सकता हूं कि विद्युत द्विध्रुवीय ध्रुव आवरण बराबर आवेश गुणा आवेशों के मध्य दूरी। तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो मोमेंट है, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। आघूर्ण जो होता है वो आवेश, दोनों बराबर परिमाण के हैं, किसी की एक आवेश का परिमाण लेना आपको, आवेश और आवेशों के बीच की जो दूरी है इन दोनों को आप गुणा कर दीजिए तो जो क्वांटिटी आएगी उसको अपन बोलेंगे विद्युत द्विध्रुवीय ध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुवीय ध्रुव आघूर्ण को पी से शो करते हैं, डायपोल मोमेंट को पी से शो करते हैं। आवेश अपने पास है क्यू और आवेशों के बीच की दूरी है अपने पास 2d।
अब बात यह आती है कि अपन ने जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है ये टू से मल्टीप्लाई के रूप में किस प्रकार से ली है, अपन इसको डी भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं। टू से मल्टीप्लाई के रूप में इस प्रकार से लिया कि जो आगे नेक्स्ट जो टॉपिक आएंगे उसमें अपने पास कोई भी डायपोल होगा उसके डिस्टेंस अपन टू डी लेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये डी और डी की टर्म में अपन इसको काम में लेंगे। हालांकि अपन डी भी ले सकते हैं, ये डी बाई टू हो जाएगा, इसका कोई ज्यादा वो नहीं है। तो अपन अपनी सुविधा अनुसार टू डी लेते हैं ताकि आगे इसको अपन डिवाइड करें, तो ये डी और डी के रूप में दो पार्ट में अपने पास डिवाइड हो जाए। तो द्विविध ध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, एक दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है इसलिए इसके ऊपर अपन वेक्टर लगाएंगे। तो द्विविध ध्रुव आघूर्ण को पी वेक्टर से शो करते हैं, पी वेक्टर बराबर हो गया क्यू इंटू टू डी, यह द्विविध ध्रुव आघूर्ण है। तो द्विविध ध्रुव आघूर्ण को आपको रटना नहीं है, सीधा ध्यान रखना है कि आवेश जो द्विविध ध्रुव अपन लेते हैं, द्विविध ध्रुव के किसी एक कॉर्नर पर जो आवेश रख रखा है उसका परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उनका जो गुणनफल है वो द्विविध ध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो आवेश और दोनों आवेशों के मध्य दूरी का गुणनफल विद्युत द्विविध ध्रुव आघूर्ण कहलाता है, इसे पी वेक्टर से व्यक्त करते हैं, यह एक सदिश राशि है। तो पी वेक्टर बराबर क्यू इंटू टू डी। अब बात करते हैं कि इसका मात्रक और इसके जो विमा है वो क्या होगी, तो इसके मात्रक की बात करते हैं अपन, मात्रक यूनिट, इसकी जो यूनिट होगी यहां पर है आवेश, आवेश का मात्रक अपन जानते हैं कि कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम इंटू टू जो है ये कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट यूनिट लेस होता है, मात्रकहीन होता है। यहां डी है दूरी है और दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो इसको सिंबल में अपन लिखें तो कूलाम को सी से, मीटर को एम से, और यहां आपको डैश लगाना है, ये लगाना जरूरी है, यदि अपने डैश नहीं लगाएंगे तो ये सीएम यानी सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहां पर द्विविध ध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर जो है उसका मात्रक यूनिट जो होगी वो होगी कूलाम इंटू मीटर या कूलाम मीटर। अब बात करें इसकी विमा की, तो इसकी जो विमा है डायमेंशन, इसकी जो डायमेंशन है वो क्या होगी, यहां पर अपने पास है आवेश, मात्रक और विमा दोनों आपको फॉर्मूले से निकालने हैं। तो यहां जो आवेश है इस आवेश की विमा इससे पहले लेक्चर में अपन ने निकाली थी ए वन टी वन और ये टू डी जो है टू डायमेंशन लेस है और डी डिस्टेंस जो है उसको लिखते हैं एल वन। तो यहां से इसकी डायमेंशन जो होगी वो होगी एम जीरो एल वन टी वन और ए एम जीरो एल वन टी वन ए वन। तो ये विद्युत द्विध्रुव हो गया और ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, इसके मात्रक एवं विमा भी लिखिए। तो आपको रटना नहीं है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव जो अपने पास होता है, ये जो द्विध्रुव है अपन मान लेते हैं कि ये द्विध्रुव है, इसके एक साइड में प्लस क्यू आवेश है, इसके एक साइड में माइनस क्यू आवेश है, बहुत ही कम दूरी पर रखे हुए हैं दोनों आवेश, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी अपन ने जो टू डी ली है, तो इसमें से एक आवेश को पकड़ना और बीच की जो दूरी है इन दोनों का आघूर्ण कर देना, तो ये यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल ही द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है, इसकी विमा एम जीरो एल वन टी वन ए वन होती है। इससे रिलेटेड एक टॉपिक है नेक्स्ट कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अपने विद्युत क्षेत्र में रखें तो उस पर कितना बल कार्य करेगा और कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अपन। टॉपिक होगा विद्युत क्षेत्र में
द्विवी ध्रुव है, पर कार्यरत बल एवं बलागुण विद्युत क्षेत्र में द्विवी ध्रुव पर कार्यरत बल एवं बलागुण। अभी जो अपन ने विद्युत द्विवी ध्रुव पढ़ा, इस विद्युत द्विवी ध्रुव को विद्युत क्षेत्र में अपन रखें तो इस विद्युत क्षेत्र में उसके ऊपर कितना बल लगेगा और कितना बल आघूर्ण लगेगा उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक तो आपको बल देखना है कि द्विवी ध्रुव पर कितना बल लगेगा और एक अपने को देखना कि कितना बल आघूर्ण लगेगा। तो इसको लिखते हैं अपन फोर्स एंड टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स एंड टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक इस प्रकार से भी हो सकता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विवी ध्रुव पर कार्यरत बल एवं बल आघूर्ण। तो इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक के अकॉर्डिंग देखो, सबसे पहले आपको लेना है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताया था, कोई भी आवेश ले, किसी भी आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र है। तो अपन यहां से कोई विद्युत क्षेत्र मानते हैं और ध्यान आपको ये रखना है कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो विद्युत बल रेखाओं के द्वारा शो किया जाता है। इस प्रकार से रेखाएं बनाई जाती है, इसको अपन विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं, विद्युत बल रेखाओं को। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको विद्युत क्षेत्र लेना है। तो विद्युत क्षेत्र जनरली आपको लेना है तो कोई आवेश रख दीजिए और उस आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि इस प्रकार का अपने पास विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र का मीनिंग होता है कि या तो प्लस क्यू आवेश से निर्मित है या माइनस क्यू आवेश से निर्मित है। यह अपने पास कोई विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र को ई वेक्टर से शो करते हैं। तो माना ई वेक्टर एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक इसमें अब आपको द्विवी ध्रुव लेना है। टॉपिक के अकॉर्डिंग ही सबसे पहले एक द्विवी ध्रुव ले लेता हूं। इस प्रकार से अपने पास ये कोई द्विवी ध्रुव है। द्विवी ध्रुव के दो ध्रुव होते हैं और एक प्लस क्यू आवेश है, दूसरा माइनस क्यू आवेश है। यहां पर प्लस क्यू आवेश है, यहां इसके माइनस क्यू आवेश है। इसको मैं कह देता हूं इसका नाम है ए बी, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है टू डी। ये द्विवी ध्रुव है और ये द्विवी ध्रुव विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है। ई वेक्टर एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसमें ए बी टू डी लंबाई का एक द्विवी ध्रुव है जिसे थीटा कोण पर विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। अब विद्युत क्षेत्र में द्विवी ध्रुव अपन ने रखा है, तो विद्युत क्षेत्र में द्विवी ध्रुव को रखा है तो ध्यान रखना आपको कि इसके ऊपर कितना बल काम करेगा और कितना बल लागू। अब इसके ऊपर बल काम क्यों करेगा, इससे पहले लेक्चर में अपन ने बताया था कि विद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेश आता है बाहर से तो उस आवेश के ऊपर बल लगता है। अब बात यह आती है कि यहां आवेश कहां से है, तो यहां विद्युत क्षेत्र जो है उसमें अपन विद्युत द्विवी ध्रुव लेके आए, तो द्विवी ध्रुव के पास दो आवेश है, एक साइड में प्लस क्यू आवेश है, एक साइड में माइनस क्यू आवेश है। तो इसका मीनिंग यह है कि अपन आवेश ही लेके आ रहे हैं और आवेश के ऊपर बल लगेगा। आवेश के ऊपर बल लगेगा तो एक बार तो प्लस क्यू आवेश पर बल लगेगा, एक माइनस क्यू आवेश, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में केवल आवेश पर ही बल लगता है और आवेश अपने पास दो है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। तो यहां ध्यान रखना है अपने को, और कितना बल लगता है इसके बारे में अपन डिस्कशन किया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है E वेक्टर बराबर F अपॉन Q, और यहां से कल बताया था F इक्वल्स टू होता है QE। तो ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र में दुनिया का कोई भी आवेश यदि प्रवेश करता है तो उस पर हमेशा बल लगता है F बराबर QE। तो यहां पर अपन बल निकाले,
तो अपने पास दो आवेश हैं इस विद्युत क्षेत्र में, एक प्लस क्यू आवेश है एक माइनस क्यू आवेश है। तो सबसे पहले अपन ध्यान रखें कि प्लस क्यू आवेश पर कार्यरत बल, वो बल मान लेते हैं अपन एफ वन वेक्टर, एफ वन वेक्टर। प्लस क्यू आवेश की बात करें तो अकेला जो आवेश है उस पर लगने वाला बल होता है एफ बराबर क्यू ई, क्यू ई वेक्टर। ये प्लस क्यू आवेश पर इसे भी प्लस लगा देता हूं, इक्वेशन प्रश्न। तो इस द्विध्रुव के, ये जो द्विध्रुव है इसके दो आवेश हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, इसको अपने रख दिया विद्युत क्षेत्र में। तो विद्युत क्षेत्र में जैसे इसको ले गए जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र इसके ऊपर बल लगाएगा, इसके ऊपर कितना बल लगेगा वो अपने निकाल लिया, एफ वन बराबर क्यू ई। दूसरा अपने ध्यान रखेंगे कि माइनस क्यू सी पर जो आवेश लग रहेगा उस पर कितना बल लगेगा, तो सिमिलरली माइनस क्यू आवेश पर कार्यरत बल, फोर्स एक्ट ऑन माइनस क्यू चार्ज। लेट्स सी एफ टू, इसको एफ टू मान लेते हैं, एफ टू इक्वल्स टू माइनस क्यू ई वेक्टर। ये पॉजिटिव चार्ज पर है इसलिए प्लस क्यू, इसकी वैल्यू माइनस क्यू है इसलिए माइनस क्यू। दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल, अब अपने पास दो ही आवेश है तो दोनों के ऊपर लगने वाले जो बल है वो अपन निकाल लिए, तो कुल बल जो अपन निकालेंगे तो इसके लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे कि इस आवेश के ऊपर कितना बल लगा और इस आवेश पर कितना बल लगा, इन दोनों को अपन ऐड करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल, अतः कुल बल टोटल फोर्स एफ इक्वल्स टू एफ वन वेक्टर प्लस एफ टू वेक्टर। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू एफ वन एंड एफ टू, एफ वन और एफ टू की वैल्यू रखी तो एफ वेक्टर इक्वल्स टू एफ वन की वैल्यू है क्यू ई और एफ टू की वैल्यू है माइनस क्यू, माइनस क्यू ई। देन दिस इंप्लाइज एफ, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, एफ इक्वल टू जीरो। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब अपने से कोई पूछे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी भी द्विध्रुव पर कितना बल कार्य करता है, तो अपन कहेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल सदैव शून्य होता है, बल तो कार्य नहीं करता उस पर। तो कौन काम करेगा उसके ऊपर, तो उस पर कार्य करेगा बल आगू। अब अपन डिस्कस करते हैं कि बल आघूर्ण कितना लगेगा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि द्विध्रुव में, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कितना बल कार्य करता है। कोई पूछे तो द्विध्रुव पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है, यानी शून्य बल कार्य करता है इस पर। अब ये जो बल है एफ वन लगा इसके ऊपर, एफ टू लगा इसके ऊपर, एफ वन की जो डायरेक्शन है वो ये होगी, F2 की जो डायरेक्शन है ये। तो अपन क्या लिखेंगे कि इस पे बल तो शून्य कार्य करता है लेकिन दोनों बलों की कार्यकारी रेखा, जॉइनिंग जो लाइन है, दोनों बलों की कार्यकारी रेखा अलग अलग होने के कारण इस पर एक बल कार्य न करके बल आघूर्ण कार्य करता है। और बल आघूर्ण के बारे में अपन ने 11th क्लास में डिस्कस किया होगा। तो यहां पर द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का एक फॉर्मूला होता है, जो बल आघूर्ण है वो होता है बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी। तो इस डायपोल के ऊपर फोर्स तो जीरो है, टोर्क यानी बल आघूर्ण जो है उसका फॉर्मूला है टोर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां से बल आघूर्ण को लिख देता हूं टो वेक्टर इक्वल्स टू बल जो है अपने पास, ये बल का मैग्नीट्यूड लेना है
तो बल का परिमाण जो है वो क्यू ही है, ये भी क्यू ही है। सिंबल नहीं लेना अपने को पॉजिटिव नेगेटिव, परिमाण लेना है इसका, परिमाण ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। तो बल है अपने पास क्यू, गुणा में है बलों के मध्य लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो यहां से और यहां से बल F1 और F2 के बीच की लंबवत दूरी ये होगी। तो इस पॉइंट को मैं यहां सी कह देता हूं, तो BC जो है वो लंबवत दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो BC देखिएगा ध्यान से, बल आघूर्ण टो बराबर बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी, बल की जो वैल्यू है अपने पास QE है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, और बलों के मध्य जो लंबवत दूरी है वो है BC। ये BC जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसकी बात कर रहा हूं। तो इस ट्रायंगल जो त्रिभुज आपको दिख रहा है इसमें ये वैल्यू निकालनी है आपको BC की। तो BC की वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं, साधारण तरीके से अपन निकालेंगे बाय फिगर डायग्राम से। BC की वैल्यू आपको निकालनी है, अपन में गिवन क्या है AB, जो कर्ण त्रिभुज का जो कर्ण है, यहां 90 डिग्री का एंगल है, यहां एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, ये AB कर्ण हो गया, AC आधार हो गया। तो अपने वो BC यानी लंब निकालना है और कर्ण दे रखा है, तो लंब बटा कर्ण क्या होगा, तो यहां से लंब बटा जो कर्ण है वो होता है साइन थीटा, लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा। अपने को यहां से BC की वैल्यू चाहिए, तो BC इक्वल्स टू हो जाएगा AB साइन थीटा, भाग में है गुणा में चला जाएगा, और यहां से BC बराबर AB की जो वैल्यू है वो देखो A से B की जो वैल्यू है यानी द्विध्रुव हो गया, और द्विध्रुव की जो लंबाई है वो 2D है, तो AB जो है वो 2D इंटू साइन थीटा, ये वैल्यू अपने पास आई BC की, BC बराबर 2D साइन थीटा गया, और ये जो BC की जो वैल्यू है वो यहां पुट करनी है। तो अतः द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है वो कितना होगा, अतः टो इक्वल्स टू टो बराबर कितना होगा क्यू ई इंटू बीसी, बीसी जो है वो 2D साइन थीटा, 2D साइन थीटा, ये वैल्यू अपने पास है, टो बराबर क्यू ई इंटू 2D साइन थीटा। अब ध्यान से देखना, आप जानते हैं एक द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन जस्ट अपन ने पढ़ी है, उसको लिखा था P वेक्टर बराबर Q इंटू 2D, तो ये द्विध्रुव आघूर्ण है, तो यहां का Q और यहां का 2D, Q इंटू 2D, Q और 2D इनको गुण को मैं P वेक्टर लिख सकता हूं, देन टो वेक्टर इक्वल्स टू इसको लिखता हूं P वेक्टर, किस किस को लिखता हूं Q इंटू 2D को, Q और 2D को, तो बच क्या गया E और साइन थीटा, तो PE साइन थीटा, तो इसको लिखता हूं PE साइन थीटा। ये है विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, और इसको वेक्टर फॉर्म में इसको लिखें तो और मैं इसको ये लिखता हूं टो इक्वल्स टू P क्रॉस E, क्योंकि P क्रॉस E A क्रॉस B को मैथमेटिक्स में अपन A क्रॉस B को खोलते हैं तो आता है AB साइन थीटा, तो P क्रॉस E को अपन लिख सकते हैं PE साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्यरत बल एवं बल आघूर्ण, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई भी द्विध्रुव अपन रखेंगे तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल तो सदैव शून्य होता है, ये इंपॉर्टेंट है, और उस पर लगने वाला बल आघूर्ण होता है टो इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, जहां पी द्विध्रुव आघूर्ण है, ई विद्युत क्षेत्र है, थीटा है ये अपने द्विध्रुव को जिस एंगल के ऊपर रख रखा है।
तो बल जीरो है, बल आगम पी साइन थीटा।